बिल्ली है ये, चुप हो जा। खाली कागज देखो बोल दी भी। अरे बिल है, खाली कागज नहीं है। कहाँ खाली कागज? खाली कागज का बिल है, पर्पल दिख रहा है। चैनल कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ स्किन केयर। तो वैसे तो आप सभी को पता है मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी मुझे मेकअप से ज़्यादा ना स्किन केयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत गर्मी हो रखी है, तो चलिए मैं ना पर्पल से एक्चुअली कुछ पार्सल अपना मंगवाई थी जो कि मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, तो देख लें इसमें क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे एफ बी पे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी एक दो दिन पहले ही आया था, तो देखो मेरे पास तो पेशेंस है नहीं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ NYBay का, जो कि पर्पल से ही आया है। ये है आपका सेटिंग स्प्रे। तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है इस ब्रांड का। मेरे पास जो ब्रांड था वो आई थिंक स्विस ब्यूटी का था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम NYBay का होगा इसके। और NYBay का इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्टैंडर्ड सा लगता है। एंड इसका प्राइस मैं अगर बता दूँ तो इसका प्राइस आपको 249 में पड़ जाएगा। तो इसको तो मैं देखूँ, इसका स्मेल काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कभी मैं यूज़ की थी किसी ब्रांड का, पता नहीं। अब देखो जब मैं मेकअप करूँगी तभी पता चलेगा कि ये सेटिंग स्प्रे कैसा वर्क करता है। तो ये डेफिनेटली मैं आपको साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट थे, ठीक है, सेटिंग स्प्रे के, बट मैंने मैट लिया है क्योंकि मेरा ना कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन स्किन में जो है वो हमेशा टी जोन जो हमारा होता है काफ़ी ज़्यादा स्वेट होता है। आपको चिक्स पे नहीं आएगा, बट टीज़ों जैसे सिर पे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। देन इसीलिए मैं जो है वो मैट ली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा कॉम्बिनेशन है। इसका ड्यू भी आता है एंड इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट है, पिंक होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो पर्पल के वेबसाइट पे। ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे आप सभी को पता है मुझे प्लम का बॉडी स्प्रे बहुत ही अच्छा लगता है, सॉरी परफ्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके मेरे कम से कम तीन वेरिएंट है, जो कि एक वनीला एसेंस है, और एक आपका हवाइयन रुब्बा है, एक आपका ट्रिपिन मोमोज है, ऐसे ही कुछ नाम है। और ये मैंने न्यू लिया है ऑर्चिड यू नॉट, ठीक है। तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने एक बार यूज़ मतलब मैं की थी, कल ही आई थी। तो इसका सही है, पर देखो मैं जितना भी प्लम का यूज़ की हूँ ना, तो सबसे अच्छा मुझे ट्रिपिंग जो है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे मॉर्निंग में यूज़ करना, क्योंकि काफ़ी फ्रेश फील होता है। एंड नाइट के लिए मेरे को हवाइयन रुब्बा से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो मुझे ये अच्छा लगता है, वनीला लगता है। एंड मैं उसी का बॉडी वॉश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो खैर मेरे को तो यूज़ करना था, जितने भी सारे वेरिएंट थे ये सब का मुझे रिव्यू आप लोगों को बताना था, मुझे यूज़ करके पर्सनली देखना था कि मैं लाइफ टाइम कौन सा स्टॉक का रखने वाली हूँ अपने पैनिटी में। ओके, और मैं हमेशा एक्वालॉजी का ही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये नो वाइट कास्ट है। ओके, एंड बहुत ही अच्छा है। मैं इसके पहले जब भी यूज़ करती थी ना, चाहे लोटस ले लो, लैक्मी ले लो, ट्रस्ट मी 50 तो होता था, मतलब SPF 50 होता था, PA++ भी होता था, बट स्टिल एक वाइट कास्ट आपको डेफिनेटली आपके चेहरे पे मिलेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या वो किसी भी पर्सन को पसंद नहीं होगा। तो मैं जब से एक्वालॉजी का यूज़ कर रही हूँ ना, इसका कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। काफ़ी जन ने मुझे पूछा है कि ये आप यूज़ करते हो कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। और इसके एक दो वेरियंट है, एक मैं ये यूज़ कर रही हूँ D10+ DU सनस्क्रीन, जिसमें आपको चेरी टमेटो एंड हाइलुरोनिक एसिड मिल जाएगा। इसके भी काफ़ी सारे वेरिएंट है, बट इसमें ये दावा करते हैं कि D10 काम करता है, तो इसीलिए मैं ये वेरिएंट मैंने ये एक्चुअली यूज़ किया है। और इसमें सबसे
जो है ये यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है, पीए प्लस 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 है, यूबीए है, यूवीबी भी है। इसका प्राइस आपका 449 पर जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको 50 ग्राम मिलेगा। इसका प्राइस मैं अगर बता दूँ तो 295 पर जाएगा। ओके और ये मैंने एनवाई बे का ही, मुझे एनवाई बे का सबसे अच्छा अगर आज तक का लगा है तो वो फाउंडेशन, मुझे इसका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगता है यार। सॉरी, तो मैं बता रही थी कि मुझे ना एनवाई बे का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका सेटिंग स्प्रे और क्यों ना मस्कारा यूज़ करके देखे और आपको बताए। हालांकि ये दावा करता है कि ये वॉल्यूम मस्कारा है, तो मैं देखो बेसिकली यूज़ नहीं करती हूँ आईलैसेस, तो इसीलिए जो मैंने मस्कारा लिया है वो वॉल्यूम वाला लिया है। अब आई डोंट नो, इसका कुछ जो है वो ऐसा ही है, सेम है, ठीक है। अब देखो जब मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। एक बार मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा एक ही आईज पे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। आपको ना डिफिकल्ट, आपको ना पता चल जाएगा क्या वॉल्यूम है एंड नहीं है। ला 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 ला, ओके। तो जैसे आपको पता है मैंने इस पे लगाया एंड इस पे नहीं लगाया, तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा है यार। तो जैसे कि मैंने आपको ये लगा के बस दिखाया, एक या दो या तीन बार मैं अप्लाई की होंगी अच्छे से, तब भी नहीं की, तब भी आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा है जो मैंने इस पे लगाया और इस पे नहीं लगाया। तो अच्छा है, इसका प्राइस मुझे 299 पड़ा है। ओके ये जो है काफ़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ओके तो ये है मैंने एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर, और ये दावा करता है कि ये आपके बालों को थिक बनाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे अब, तो देखो मैं अभी तक ये यूज़ नहीं किए हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसका रिव्यू तो मैं आपको नहीं बता सकती। क्योंकि जैसे कि आपको पता है देखो मेरा हेयर काफ़ी कम हो रखा है, तो ये दावा करता है हालांकि ये थिक हेयर में आपकी, थिक हेयर होने में आपकी हेल्प करेगा। सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आर्टिफिशियल कलर फ्री है। ओके यूज़ आप 15 मिनट्स रख सकते हो, स्कैल्प में भी लगा सकते हो, लिव इन ऑन 15 स्कैल्प द हेयर, आप स्कैल्प में लगा सकते हो, एज ए ओवरनाइट ट्रीटमेंट भी रख सकते हो, एंड आप वीक में दो बार ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका प्राइस जो है वो मुझे पड़ा है, ये 100 ml का है और इसका प्राइस है वो जो है 225 मुझे पड़ा है। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने यूज़ अभी तक किया नहीं है, तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी भाई खुलेगा कैसे। ऐसे ऐसे खुल जा भाई, टूट ना जाए। हाय हाय, कोई भाई साहब ये खुला हुआ था, इसके तो ढक्कन वक्कन नहीं है क्या, इसका कुछ और ही सिस्टम है लॉक करने का, ये लॉक करने का कुछ और चीज फेस पे आ गया। एनीवे तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू मैंने सुनी हूँ, अब ये यूज़ करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। तो इतने सारे सामान लेने के बाद फाइनली मुझे जो है फ्री में नाइट पर्पल ने मुझे ये गुड वाइब्स का बॉडी लोशन और ये आमला एंड सिकाकाई का शैम्पू 5 rupees का गुड वाइब्स का ही दिया है। तो देखो शैम्पू तो मैं वो यूज़ नहीं करती तो मुझे नहीं पता, हाँ बॉडी लोशन मैं यूज़ करके बता सकती हूँ कि कैसा है। और हालांकि गर्मी में जो है समर में मैं बॉडी लोशन थोड़ा एलोवेरा जो फुल हाइड्रेटेड, गर्मी देख रहे हो भाई साहब कितनी गर्मी है, तो फ्रेग्रेंस तो उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है फ्री का माल है भाई रख लेते हैं कुछ भी। और इतना सारा कुछ लेने के बाद पर्पल ने इतना लंबा चौड़ा बिल भी मुझे थमा दिया है। तो ये टोटल जो सामान है मैं आपको बता दूँ, हाँ
बिल्ली है ये, चुप हो जा। अरे बिल है, खाली कागज नहीं है। खाली कागज का बिल है, पर्पल दिख रहा है। खाली कागज को पपल देखे बिल तो ये लंबा चौड़ा बिल है जिसका प्राइस, अरे भाई नहीं मिल रहा मेरे को टोटल में। गरम तो होच्छे, तेरे को सब कुछ वीडियो में ही बोलना होता है। नहीं ज़्यादा गर्मी है ना यार, मुझे ना वीडियो स्टॉप करके बनाना पड़ रहा है। एनीवे गाइस, आई होप आपको ये छोटा सा मेरा अनबॉक्सिंग पर्पल हॉल अच्छा लगा होगा। एंड मैं सारा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिएगा। एनीवे चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल भी लगा होगा। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे एवरी पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है मिस एनी, तो उसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय गाइज, लव यू, टेक केयर एंड जय श्री राम।